गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 29 मई और बात करने वाले हैं 29 मई 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में एक एक करके अपन बात करते हैं। तो देखिए, बिना उतवाए डायरेक्ट अपन लेसन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली, जिसका आपको नाम बताना है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, उससे रक्षा प्रणाली का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा आकाश, फर्स्ट एस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली आकाश फर्स्ट एस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आकाश फर्स्ट एस मिसाइल एक नया संस्करण है जो कि स्वदेशी खोजी तकनीक से लैस है। सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल को दुश्मनों के विमानों और मिसाइलों को 18 से 30 किलोमीटर की दूरी से मार गिराने के लिए तैयार किया गया है। आकाश मिसाइल प्रणाली में लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ में बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को भेदने की भी अक्षमता है। तो आकाश फर्स्ट एस क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस मिसाइल की तस्वीर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर देखिए, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, MiG-21 में मिसिंग मैन फॉर्मेशन का नेतृत्व किसने किया है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख, यानी कि इसमें वायुसेना प्रमुख इसका करेक्ट आंसर होगा। और वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ मार्शल कौन है, बी धनोआ है। उन्होंने कारगिल में ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान मारे गए लोगों की वीरता और सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में 4 MiG-21 विमानों वाले मिसिंग मैन फॉर्मेशन का नेतृत्व किया है। इन विमानों ने पंजाब के बठिंडा में बिशियाना एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी है। मिसिंग मैन फॉर्मेशन एक हवाई जो सलामी है जो कि शहीद हुए कॉमरेड इन आर्म्स के सम्मान में दी जाती है। फिर देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बिम्सटेक नेताओं को किस भारतीय नेता के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक नेताओं को इनविटेशन किया गया है, आमंत्रित किया गया। भारत ने 30 मई 2019 यानी कि गुरुवार को शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का उसमें बिम्सटेक सदस्य राष्ट्रों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्री के अनुसार संघाई सहयोग संगठन है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जो कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं वही उनके अध्यक्ष हैं और उनका नाम है सूरोनबे जीनबेकोव, और प्रवीण जुगनाथ जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं उनको भी इनविटेशन भेजा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले एक समारोह में श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। देखिए, बिम्सटेक के बारे में अलग से जो जानकारी बनती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिम्सटेक यानी कि जो बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम के सदस्य राष्ट्र, भारत सहित इसमें बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये बिम्सटेक के सदस्य देश हैं। तो इसमें नरेंद्र मोदी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक्शन कोरियोग्राफर फिल्म निर्माता जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, उनका नाम आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसका करेक्ट आंसर होगा वीरू देवगन। इनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध स्टंट और एक्शन कोरियोग्राफर हैं वीरू देवगन। 77 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो चुका है। देवगन ने फूल और कांटे जो कि 1991 में आई थी, फिर मिस्टर इंडिया जो कि 1987 में आई थी, और बाद में हिम्मतवाला जो कि 1983 में ये फिल्म है वो प्रकाशित की गई थी। तो इन सहित अन्य फिल्मों में भी लगभग 80 से अधिक हिंदी फिल्मों में स्टंट और एक्शन दृश्यों को इन्होंने कार्य दिया था। उन्होंने 3 फिल्मों में काम भी किया था, उनमें से जो हिंदुस्तान की कसम जो कि 1999 में आई थी उसके निर्देशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। वीरू देवगन के जन्म की बात करें तो पंजाब के अमृतसर में देवगन परिवार में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने वीना से शादी की और उनसे उनके 4 बच्चे भी हुए थे जिसमें अभिनेता अजय देवगन और निर्देशक अनिल देवगन भी शामिल हैं। तो वीरू देवगन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, UNSDG के 10 सबसे प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में हेल्थ केयर अवार्ड के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और आचार्य बालकृष्णन इसका करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र ने स्वास्थ्य सेवा में 10 सबसे प्रभावशाली लोगों में आचार्य बालकृष्ण को चुना है। श्री बालकृष्ण को यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अन्य वक्ताओं के साथ में बातचीत करने के लिए जिनेवा जो कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वहां पर इनको आमंत्रित
किया गया है। आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ भी हैं। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड एक भारतीय उपभोक्ता वस्तु निर्माण कंपनी है जो कि अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के साथ साथ में आयुर्वेदिक और औषधीय व्यक्तिगत देखभाल के उत्पादों का उत्पादन करती है। लोकप्रिय योग गुरु हैं बाबा रामदेव, उन्होंने बालकृष्ण के साथ में मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी। तो आचार्य बालकृष्ण क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, जोआन मीरो पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो ये कलाकार है नलिनी मालिनी, इसका करेक्ट आंसर होगा। इनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, कलाकार नलिनी मालिनी ने जोआन मीरो पुरस्कार का 7वां संस्करण इन्होंने जीता है। मीरो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कला पुरस्कारों में से एक माना जाता है और इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को 70,000 यूरो यानी कि $78,000 की नकद पुरस्कार राशि मिलती है। मालिनी की बात करें तो कराची में इसका जन्म हुआ था वर्ष 1946 में। एक फिल्म फोटोग्राफी अधिष्ठापन वीडियो आर्ट और प्रदर्शन कलाकार के रूप में इन्होंने कार्य किया था है। तो नलिनी मालिनी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बैडमिंटन एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा एंटोन आदित्य सुबोवो। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडोनेशिया के एंटोन आदित्य सुबोवो को अगले 4 वर्षों के लिए एक बार फिर से बैडमिंटन एशिया का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 7 अन्य लोगों को बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको भी उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बैडमिंटन एशिया को मालदीव के मूसा नासिद के रूप में एक महासचिव भी मिला है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महासचिव के पदों के लिए टोटल 40 देशों ने मतदान किया था जिसमें अध्यक्ष के रूप में एंटोन आदित्य सुबोवो को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वीडी सावरकर की जयंती कब मनाई गई है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 28 मई को मनाई गई है। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर जिसका लोकप्रिय नाम है वीर सावरकर, उसकी जयंती 28 मई को मनाई गई है। सावरकर एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी। इस अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए संसद भवन में सेंट्रल हॉल में एक समारोह भी आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री ने वीडी सावरकर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। श्री सावरकर के जन्म की बात करें तो 28 मई सन 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के पास में इनका जन्म हुआ था। वह एक भारत के स्वतंत्रता के सक्रिय कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, अधिवक्ता, लेखक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार भी थे। तो 28 मई को वीडी सावरकर की जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वित्त वर्ष 2019 में भेल का शुद्ध लाभ 7% बढ़कर कितने करोड़ रुपए हो गया है? तो देखिए 1215 करोड़ रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है भेल, जिसका पूरा नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। उसके मुनाफे में बहुत बड़ी छलांग लगाई है और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 60% का अंतिम लाभांश भी अनुशासित किया है। तो देखिए इसमें 1215 करोड़ क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत के हैं सौरभ चौधरी, 17 वर्ष के हैं और जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF निशानेबाजी जो विश्व कप है उसमें अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। श्री चौधरी ने फरवरी 2019 में नई दिल्ली में निशानेबाजी विश्व कप में बनाए गए 245 अंकों के अपने पीछे जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है उसको पार करते हुए 3 अंक अधिक हासिल किए हैं। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर सौरभ चौधरी हैं ये टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले ही जगह बना चुके हैं, तो स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, निम्न में से किसने ISSF विश्व कप के में पदक जीतकर भारत के लिए ओलंपिक में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है? तो जो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इनमें से राही सरनोबत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जर्मनी के म्यूनिख में जारी ISSF वर्ल्ड कप की राइफल पिस्टल स्पर्धा में राही सरनोबत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। एशियाई खेलों की चैंपियन राही ने अपने करियर का दूसरा विश्व कप स्वर्ण पदक जीता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मोनाकी ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई है, उसका नाम आपको बताना है? तो देखिए लुइस हैमिल्टन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथी वाल्टेरी वोटास पर अपनी चैंपियनशिप बढ़त को विस्तार करते हुए मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती है। हैमिल्टन
ने बाद के चरणों में पकड़ बनाए रखने में संघर्ष का सामना किया और रेड बुल के मैक्स विस्टोरपन के सामने लगातार दबाव भी देखे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 29 मई 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय के ऊपर प्राप्त हो सके।